तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि शाह झूठ बोलकर वोट लेने के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की चिंता है तो केंद्र सरकार स्पेशल राज्य का दर्जा दे दे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है, अमित शाह जी मोदी की गारंटी पूरी करें, जो गारंटी विधानसभा चुनाव के पहले दी गई थी वो एक भी पूरी नहीं की जा रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग की और 1,00,000 करोड़ का पैकेज देने की भी मांग की है। अमित शाह जी भी आज प्रदेश में आए, उनको भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से कहा कि 1,00,000 करोड़ रुपए का आप मध्य प्रदेश को पैकेज दें, क्योंकि 4,00,000 करोड़ रुपए का इस पर कर्ज हो चुका है और लगभग 40,000 करोड़ रुपया पर साल हमें सिर्फ देनदारियां ब्याज देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने मोदी गारंटियां इस बीच में दे दी है और वोट ले लिए हैं। अगर उनको पूर्ण करना है तो आज जो बजट है उससे पूर्ण नहीं हो सकता। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान बैठकों का दौर चल रहा है। शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर बूथ को 370 से अधिक वोट से जीतने का लक्ष्य दिया है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट।